सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ये ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे मेरे डियर जी के तिलक के एक दिन बाद। हाँ, तो एक दिन बाद का ही ये वीडियो है। तो कल तिलक था, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। जितना रिकॉर्ड कर पाए किए और आप लोगों से शेयर किए, बहू हैं तो उतना तो ज़्यादा हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, बट जितना हो पाया हम किए। और पता है अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और अभी खुद का ड्रेस लेने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा ड्रेस मिलता है, क्या मिलता है, वो सारा कुछ देखने के लिए ब्लॉग को आपको एंड तक देखना होगा। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए, एंड बहुत एक्साइटेड भी हैं हम क्योंकि इस बार कैसा ड्रेस लें ये सोच रहे हैं। इंगेजमेंट में जो लिए थे आप लोग तो देखे होंगे, धूप कैसा पड़े। इंगेजमेंट में जो लिए थे वो तो आप लोग देखे थे कि लहंगा लिए थे ब्लू कलर का, और तिलक में तो साड़ी पहन ही लिए हैं, और सब में साड़ी ठीक रहेगा। बट अभी बारात बाकी है, रिसेप्शन बाकी है, तो उसमें क्या पहने वो सोचना है। तो चलिए इस ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं मार्केट पूरा फैमिली, और देखिए ब्लॉग को एंड तक एंजॉय करिए। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे मार्केट जाने के लिए, और हम 5 लोग थे। आज मेरी एक ननद जी भी थी, तो 5 लोग निकले थे, और बहुत एक्साइटमेंट भी था, खुशी भी था, और एक चीज़ भी था कि जैसा मेरे को चाहिए वो ड्रेस मिल जाए। क्योंकि ज़्यादातर हम जैसा सोचे होते हैं ना वैसा ड्रेस नहीं मिल पाता, और मेरे को दूसरा लेना होता है, लेना पड़ता है। तो इस बार सोचे थे कि मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत प्यारा मौसम भी था। मतलब हम लोग जब निकले थे ना 3 बज रहा था, तो एकदम धूप इतना प्यारा सा आ रहा था फेस पे, और ठंड के दिन में अगर धूप लगता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मार्केट में गए हम, जब हम लोग गए तो दोपहर था, और आने में हम लोग को इतना रात का 9 बज गया था सच में। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे लहंगा एरिया में, और यहाँ पे हम लोग लहंगा देख रहे थे। और यहाँ पतिदेव को देखिए, बोल रहे थे वहाँ से जाके लो, मेरा मत लो, गजब का उनको एलर्जी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, देख सकते हैं, और हम सोच रहे थे कैसा लहंगा लें। बहुत सोचे, बहुत। और पता है गाइस, शादी भी आता है तो तबीयत भी ख़राब हो जाता है। मेरे को भी सर्दी हो गया, जुकाम हो गया इस तरीके से। देख सकते हैं ये एक लहंगा, देखे मेरे को बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको हम बाद में दिखाएंगे कि कौन सा लहंगा चूज़ किए, बहुत सारा देखे थे, लाइट कलर लिए या डार्क कलर लिए, वो सब आपको देखने मिलेगा आने वाले ब्लॉग्स में। और इसमें पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है या नहीं, देखिए क्योंकि कोशिश तो की है रिकॉर्ड करने का। तो यहाँ से फिर हम लहंगा देखे, कोई पसंद नहीं आया, पता है मतलब जैसा चाहिए था नहीं मिला। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, और यहाँ निकल के आए दूसरे जगह जहाँ लेना था पतिदेव के लिए कपड़ा। तो वहाँ हम लोग आए, हम अपना छोड़ दिए, सोचे दूसरे दुकान पे देखेंगे क्योंकि वहाँ पे नहीं मिला जैसा चाहिए था, नहीं मिला तो इसलिए दूसरे दुकान के लिए। यहाँ पर हम लोग आए थे पतिदेव के लिए, पतिदेव का लेने के लिए। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारा देखे, ड्रेस देख सकते हैं, जेंट्स लोग का भी इतना प्यारा प्यारा ड्रेस मिलता है। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना, सारा ड्रेस बहुत ही सुंदर सुंदर था। वाइट वाला तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि क्या बताएं, वाइट नहीं क्रीम कलर टाइप था, बहुत ही सुंदर था। फिर यहाँ हम लोग आए सासू माँ का कपड़ा लेने के लिए, तो यहाँ भी ढेर सारा साड़ी देखे हम लोग, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी भी था। रेंज तो इतना था साड़ी का, 10,000 रेंज, ऐसा वो साड़ी में इतना कौन इन्वेस्ट करेगा। मतलब ऐसे नॉर्मल साड़ी में, बनारसी वगैरह रहता है तो चल जाता है, अच्छा लगता है वो, बट नॉर्मल साड़ी में नहीं लगता। बहुत जगह और मार्केट में गए थे, सब जगह कैप्चर नहीं किए। उसके बाद हम लोग यहाँ निकल गए घर के लिए, वहीं रात का 9 बज चुका था, और खाना भी बनाना था जाकर। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, जब मेरी बुआ सासू जी लेके आई थी खाए। बहुत सुंदर साड़ी है, कौन दिया रहा था? मेरी जो बुआ सासू माँ है वही दी है, हमारे में खाए आता है ना। हाँ, शादी के बाद आता है कन्या लोग खाना, तो वही लेके आई है। प्यारा सा बहुत सुंदर साड़ी, और फल फूल आता है, फल मिठाई ये सारा चीज, चूड़ी वगैरह जो सिंगार का होता है, सिंदूर बिंदी मतलब जो रहता है, ये सब चीज आता है। तो वही लेके आई थी अभी मैं, जो बुआ सासू माँ है वो लेके आई थी। सो गाइज, अभी ये जो शूट कर रहे हैं नेक्स्ट डे शाम का है। हम लोग कल मार्केट से आ गए थे, बट कुछ शूट नहीं किया, हम लोग आके खाना वाना बना के खाएं फिर सो गए थे क्योंकि लेट हो गया था। फिर जो हम लोग लाए थे अपना ड्रेस, वो सब का हम लोग को सिलने देना है, तो वहीं हम लोग देने जा रहे थे अभी।
टाइम शाम का कितने बज रहा है? पाँच बज गया है, तो चलिए देख के उसके बाद आते हैं। ब्लॉग देने के बाद आ गए थे घर, फिर से जा रहे हैं हम अपना ड्रेस वगैरह, मतलब नहीं लेके आए थे कल, सबका आ गया था, मेरा बस बाकी रह गया था, तो अभी और भी बहुत कुछ लेना है, तो हम और मेरे पतिदेव दोनों लोग जा रहे हैं आज, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, फिर निकले हम लोग और रात हो गया था, 7 बज रहा था जाने में, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद हम लोग निकले थे, और मेरा जो कपड़ा है शादी के लिए वो नहीं हम लोग ले पाए थे, तो इसलिए हम लोग फिर मार्केट में आए। पहले तो यहाँ पे अपने ससुर जी के लिए कपड़ा देख रहे थे, क्योंकि वो अपने लिए ले ही नहीं रहे थे, सबका खरीदा गया था, वो बस अपने लिए नहीं ले रहे थे, तो हम पतिदेव से बोले थे नहीं उनका आज हम लोग ले कर चला जाए कुछ, तो वहीं यहाँ पर हर एक तरह का हम लोग देखें, अच्छा अच्छा था, बहुत सुंदर लग रहा था, हम लोग सोचे कैसा लें, और फिर हम लोग कैसा लिए वो आपको दिखाएंगे आने वाले ब्लॉग्स में ही या एंड में ही, इस वीडियो के एंड में भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा हम लोग देखें, सबका खरीदाता है तो अच्छा लगता है, अगर परिवार में एक जन का रह जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब लगता है कि सबका नहीं हुआ इस तरीके से। तो यहाँ हम लोग कलर में कन्फ्यूजन थे, जो बंडी आता है उसमें, उसके बाद हम गए अपना कुछ लेना था, रिंग इयररिंग्स ये सारी चीज़ें, तो यहाँ बहुत सारा चीज़ देख रहे थे कि क्या ले कैसा ले, पसंद कर रहे थे। फिर हम लोग पहुँचे मॉल, जो मेरे लिए लेना था ड्रेस वो हम लोग ले लिए, और फिर यहाँ से निकले तो बच्चे का ड्रेस लेना था, सूट वगैरह बहुत सारा चीज़ लेना था, तो वो सारा कुछ हम लोग यहाँ देख रहे थे। और बच्चे का ड्रेस कितना क्यूट लगता है ना, हम यहाँ पे देख रहे थे, इतना प्यारा प्यारा सा छोटा छोटा सा कपड़ा था ना, बहुत क्यूट लग रहा था। तो हम लोग सोचे कि ठंड का दिन है तो बच्चे का जो ड्रेस लेना है वो हम लोग ठंड का लेते हैं, तो हम लोग बहुत सारा देखे, ये देखे खुलवा के, और भी एक दो था वो सब देखे, फिर सोचे कौन सा हम लोग लें, क्योंकि यहाँ भी हम लोग देख ही रहे थे, देख सकते हैं एक ये वाला भी था जिस पे कार्टून का छाप था, ये भी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग 2-3 देखे, सोचे कि कौन सा अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, तो फिर हम लोग ले लिए थे। गाइस अगेन, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं सिलने देने के लिए, और पता है मतलब इतना भागम दौड़ हो रहा है ना 3 दिन से लगातार, अच्छा हुआ कि तिलक के बाद हम लोग को 3 दिन का कुछ था नहीं, तो हम लोग को मिल गया टाइम, तो इसलिए फिर से हम लोग जा रहे हैं 3 दिन से लगातार मार्केट मार्केट मार्केट, बहुत थकान हो गई है दोनों लोगों का, पूरा बॉडी पेन होता है वैसा हो गया है। ओहो गिर गई, हाँ गले में मत लगाओ, छोटी है, गला में नहीं लगाया जाता है, खींच रहा है। तो चलिए चलते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से आज सिलने दें, इसका सिलाई खत्म नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ छूटा ही है, तो चलिए चलते हैं। गाइस आगे घर, और सिलने को दे दिए, बहुत टेंशन था कि इतना जल्दी कैसे सिलाएगा, बट देख के आ गए, बहुत थकान हो जा रहा है सच में, मार्केट घर करते 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 हालत ख़राब हो जा रहा है। तो फिलहाल आ गए हैं घर, और अभी जा रहे हैं थोड़ा सा भुजिया बना देने माँ के लिए, और क्योंकि सब्ज़ी खाने का उनका मन नहीं कर रहा था आज, कभी कभी होता है ना मसाला खाने का मन नहीं करता, तो आलू का भुजिया बना दे रहे हैं, और फिर देखते हैं क्या करते हैं, वीडियो भी आज ब्लॉग में नहीं डाले हैं, देखते हैं तो यहीं ब्लॉग डाल देंगे। तो गाइस हम ब्लाउज देके आए, तब तक माँ उधर मार्केट गई थी, और मार्केट से लेके आई है मेरे लिए डोसा, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब देखते मुंह में पानी आ जाता है, एक होता है ना, बहुत अच्छी लगता है। तो चलिए खाते हैं डोसा। सो गाइज, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है ना कि कुछ भी सूट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, और थोड़ा थोड़ा सूट कर रहे हैं, मार्केट निकल जा रहे हैं, बट मार्केट में जाके और सूट करना भूल जा रहे हैं, बट कुछ किए ही हैं जो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। और आज मेरी बहन का बर्थडे है शिवानी का, तो आप लोग बहुत सारा विश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हैप्पी बर्थडे शिवानी बहुत सारा लिखिएगा, वो खुश होगी पढ़ के। तो हम भी वीडियो से बोलते हैं हैप्पी बर्थडे शिवानी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो हमेशा, सारे सपने पूरे हों, और जैसे तुम रियल हो वैसी हमेशा रहो, आई लव यू सो मच, और मेरी बैक बोन हो तुम, पता होगा तुमको,
क्योंकि अगर कोई जहाँ नहीं है वहाँ जो खड़ा है वो तुम ही हो, तो थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। और पहला बर्थडे है जिसमें हम नहीं हैं तुम्हारे साथ, फिर भी पूरा इन्जॉय करना और बर्थडे मनाना मेरे लिए, मेरे खुशी के लिए, क्योंकि तुमको नहीं पसंद बर्थडे मनाना, बट मेरे को बहुत पसंद था कि तुम्हारा बर्थडे हम मनाएं, और हर साल इसीलिए जीत करके मनाते भी थे। तो इस साल हम नहीं हैं, फिर भी तुम बर्थडे ज़रूर मनाना, तो हैप्पी बर्थडे। और आप सब लोग भी कमेंट ज़रूर करिएगा हैप्पी बर्थडे शिवानी को। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करिएगा गाइज। और आगे बहुत सारे मेरे जेठ जी का जो शादी का फंक्शन है ये सब देखने मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए फटाफट से। तो बाय, टेक केयर।